क्या हाल चाल होगी आप लोगों के? ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है कि आपका ये कोर्स बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। चलिए और पढ़ते हैं थोड़ा सा। फ्रेमवर्क के अंदर एक आप सवाल कर रहे हैं, आप कोशिश करें मेरे साथ साथ ही उसे बना लें तो जल्दी बन जाए। वही है जो आपने निकाली उस पर काम नहीं है, ये थोड़ी छोटी है, बड़ी कर पाइप पतला करती है थोड़ा सा। ये वो पीवीसी है ना जो कल थोड़ा मोटा था, पतला गया। बस यहाँ पे इसको पूरा कर दो, बस अगर ये मैं आपको कहूं कि आप बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? जी सर, स्लाइड
मैं सही कह रहा हूँ? एक सवाल पूछू, इसमें कितने मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स हैं? There are three multi-access networks. A, 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 B, A, A, A. तीन मुख्तलिफ नेटवर्क आईडी है. उसकी वजह यह है कि यहाँ पे देखिए राउटर के तीन इंटरफेस इस्तेमाल हो रहे हैं. राउटर के हर इंटरफेस पे नेटवर्क मुख्तलिफ होता है. तो यहाँ का नेटवर्क दूसरा है, यहाँ का एक और नेटवर्क है, यहाँ का नेटवर्क एक और है. तो तीन मुख्तलिफ नेटवर्क मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स है और तीनों के अंदर जो हब है वो राउटर वन है. तीनों में जो हब है वो राउटर वन है. इसमें तकलीफ देह चीज जो है ना वो ये नहीं है जो आप समझ रहे कि डायग्राम का साइज बड़ा है. जिसमें तकलीफ देह चीज है वो मैं अप बनाने लगा, वो काम में अप करने लगे. वो नहीं, नहीं वो काम ये है. ये सारे इंटरफेसेस सीरियल पूछना है जीरो. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सारे इंटरफेस आपने बनाए. कहने का मकसद ये है कि अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क्स की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर VLANs की तादाद ज्यादा होती थी तो आप कहते थे इंटर VLAN राउटिंग में राउटर होना स्टेक और राउटर होना स्टेक में सब इंटरफेस की आप बनाई करते थे. यहाँ भी एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क VLAN की तरह ही होता है. तो ये एक मल्टी एक्सेस नेटवर्क है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. तीनों के आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए तीन फिजिकल इंटरफेसेस की जरूरत नहीं है. ये काम आप एक साथ इंटरफेस से भी करा सकते हैं. इसका मतलब ये है लॉजिकल डायग्राम. फिजिकल डायग्राम इसकी ये नहीं है. फिजिकल डायग्राम इसकी डिफरेंट है. आपको लग रहा है तीन फ्रेमलेस स्विच है, एक फ्रेमलेस स्विच है. जहां जाहिर है जब एक इंटरफेस है तो ये एक ही जगह पे कनेक्ट हुआ होना चाहिए. ठीक है, इसकी जो फिजिकल डायग्राम है वो इस तरह से है. वो तो छोटी सी साइड पे आप बना लें. इन डायग्राम असल में ये है, ये है इसका सीरियल 2/0, ये इसका सीरियल 2/0 होगा, ये इसका सीरियल 2/0, लेकिन इसका सीरियल 2/1, इसका 2/2, इसका 2/0, इसका 2/3, इसका 2/0, इसका 3/0 और इसका सीरियल 2/0. तो वो भी है, वो भी डाल भी है. उसके लिए एक बार और इस्तेमाल करेगी यहां भी और आप इधर कह रहे सीरियल 3/1. इसकी फिजिकल डायग्राम ये है. एक ही फ्रेमलेस स्विच के साथ आपके तमाम जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है. एक ही फ्रेमलेस स्विच के साथ तमाम डिवाइसेस आपकी कनेक्ट होंगी. अब सवाल ये है कि इस एक इंटरफेस के ऊपर तीन मुख्तलिफ नेटवर्क्स कैसे कनेक्ट कराए जा सकते हैं? एक इंटरफेस के ऊपर तीन मुख्तलिफ नेटवर्क्स तो नहीं हो सकते, फिजिकल इंटरफेस को तो नहीं हो सकते. तो इसके मुझे यहाँ पे क्या बनाने पड़ेंगे? वर्चुअल इंटरफेसेस, सब इंटरफेसेस. और ये डायग्राम आपकी सब इंटरफेसेस वाली है. अगर मैं पहले ये बनाता तो मैं कभी इस चीज पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था. मैंने पहले लॉजिकल डायग्राम बनाई है, वजह क्रिएट की है, बाद में मैंने आपको बताया देखने में लॉजिकली इस तरह, फिजिकली ये ऐसे ही है. ये तीन फ्रेमलेस स्विच नहीं है, ये एक ही है और एक ही के अंदर ये सारे वर्चुअल सर्किट्स बने हुए हैं. और ये वाला इंटरफेस में पता है कौन सा है?
ये सीरियल 2/0 है और ये भी सीरियल 2/0 है और ये भी सीरियल 2/0 है। असल में यही का लेवल इंटरफेस, इसी इंटरफेस से आगे राउटर 2 और 3 को भी पाइप जाता है, इसी से 5 और 4 को भी जाता है और इसी से 6 को भी पाइप जा रहा है। तो असल में ये एक ही है, लेकिन अगर अलग अलग जोड़ोगा तो समझ आसानी से आ जाएगी। लॉजिकल डायग्राम इजी टू अंडरस्टैंड होती है, कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने के लिए लॉजिकल डायग्राम होती है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए जब थियरी पर बनाऊंगा तो बनेगी ये वाली डायग्राम। लेकिन मेरा आपको ये डायग्राम बनाने का मकसद नहीं था, असल चीज मैंने ये बतानी है कि जब यहाँ सब इंटरफेसेस बनाए जाते हैं ठीक है, उसमें कोई खास बात होती है या नहीं होती। लिखने वाली बात आपको ये है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब इंटरफेसेस इन फ्रेम डिले। फ्रेम डिले में सब इंटरफेसेस की दो टाइप्स है, फ्रेम डिले में सब इंटरफेसेस दो तरह के होते हैं। There are two types of sub interfaces in frame delay. Number one, point-to-point sub interface. Point-to-point sub interface. Point-to-point sub interface. Number two, multi-point sub interface. एक पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस है और दूसरा मल्टी पॉइंट सब इंटरफेस है। पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस एंड मल्टी पॉइंट सब इंटरफेस। पहली चीज, ये तीन मुख्तलिफ सब इंटरफेस है तो पता कैसे चलेगा तीन मुख्तलिफ है? इनको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी देने का तरीका वही है कि फिजिकल इंटरफेस के आगे डॉट लगाएं और आगे मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 2 3। मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, मैंने 1 2 3 इसलिए रखा था कि मुझे आसानी हो। ये सब इंटरफेस राउटर 1 2 और 3 के लिए है, ये सब इंटरफेस राउटर 1 2 और 3 के लिए है। इसके आगे लिखूंगा .1 4 5 ताकि मुझे पता लगे कि ये सब इंटरफेस मैंने राउटर 1 4 और 5 के लिए बनाया। Serial 2/0.145 और ये Serial 2/0.123 और ये वाला 1/6, ये वाला सब इंटरफेस 1/2/3 के लिए है, ये 1/6 के लिए है, ये 1/4/5 के लिए है। तीन सब इंटरफेसेस, तीनों को मुख्तलिफ आईडी देनी है। आईडी देना ये जरूरी नहीं है, कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन आईडी ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिए कोई ना कोई आसानी पैदा करे। तीन सब इंटरफेसेस को मैंने ऐसी आईडी दी है जिनसे मुझे ये मैसेज मिल जाता है कि मैंने ये सब इंटरफेस बनाया किसके लिए था। तुम्हें इसका नाम पर भी पता लग जाएगा, ये सब इंटरफेस 1 2 3 के लिए है, वो 1 6 के लिए है, वो 1 4 और 5 के लिए। रखने को कुछ भी नाम रखा जा सकता था, नंबर रखा जा सकता था, लेकिन ऐसे रखने चाहिए। ये रूल नहीं है, रेकमेंडेशन है। ऐसे नाम, ऐसे इंटरफेस के नंबर रखने चाहिए। लेकिन अगला सवाल, मैंने आपको कहा था दो टाइप्स होती है सारे इंटरफेस, सब इंटरफेस, एक पॉइंट टू पॉइंट और एक मल्टी पॉइंट। आप मुझे बताएं इनमें से मल्टी पॉइंट कौन सा होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट कौन सा होना चाहिए। मल्टी पॉइंट वो होता है ऐसा इंटरफेस जिसमें मल्टीपल ब्रांचेस से कम्युनिकेट करनी हो। पॉइंट टू पॉइंट वो होता है जिसमें अपने अलावा किसी एक और के साथ कम्युनिकेट करना होता है, कनेक्टिविटी करनी हो। तो ये वाला जो है ये मल्टी पॉइंट होना चाहिए क्योंकि इसी इंटरफेस ने, इसी एक इंटरफेस ने 2 से भी बात करनी है और 3 से भी करनी है। इस वाले एक इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ राउटर 6 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम 0.2 पॉइंट होनी चाहिए। इस इंटरफेस में 4 और 5 से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसलिए इसकी टाइम जो है वो 0.2 पॉइंट होनी चाहिए। थोड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। मल्टी पॉइंट कौन होगा? जिसने मल्टीपल ब्रांचेस से कम्युनिकेट करते हैं।
Y 2.2 है इसमें से ना A वास है स्पेसिफिक से जाने और आपका फ्यूचर में प्लान भी ये है कि यहाँ पे A की बनाना है भी तीसरी यहाँ पे आए भी नहीं है जहाँ पे छठी है ना इन दोनों में सारी जिंदगी एक दूसरे से बात करना और आएगा कोई आप ही देखते वैसे मसला कौन सा है आपने कौन सी रकम में बच्ची नहीं है साफ इंटरफेस ही है वर्चुअली हटा के दूसरा ना है कि नहीं फिलहाल इसकी टाइम आप रखेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो ये आप कहेंगे सर तो मजीद बातें बताए ना इसके बारे में ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई ज्यादा समय से बात करनी है तो मल्टी पॉइंट है किसी एक और से करनी है तो पॉइंट टू पॉइंट है या और भी कुछ की अच्छी बातें हैं बिल्कुल जी और भी बड़ी अच्छी बातें हैं सबसे पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट के हवाले से बात करता हूँ एक सवाल है अगर मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट की बजाय मल्टी पॉइंट कर दू तो क्या फर्क पड़ेगा क्या ये कम्युनिकेशन नहीं करेगा इसके साथ करेगा ये जो एक दूसरे से बात करेंगे तो फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट क्यों करूँ मल्टी पॉइंट क्यों ना जरूर मैंने फर्क क्या है पॉइंट टू पॉइंट करने का फायदा तो होना चाहिए ना याद रखिए पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस के अंदर मैपिंग नहीं होती आईपी और डेंसी की मैपिंग होती नहीं है पॉइंट टू पॉइंट सब इंटरफेस के केस में आईपी और डेंसी की मैपिंग स्टैटिकली डायनामिकली होती है क्यों नहीं होती आधा सी ठीक है इसने जब यहां से निकल रहा है तो दूसरी तरफ कोई आ रहा है इसने बोलना है उसने सुन लेना आप उस रूट मैपिंग मैपिंग का तकल्लुफ कर रहे और एक छोटी सी बात और बताता हूं और ये भी बड़े पते की बात है याद रखने और लिखने वाली बात है दुनिया में जितने भी पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस होते हैं ना दुनिया में जितने भी पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस होते हैं उन सब की सब की नेचर जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है और इसे कोई बदल नहीं सकता इट इज फिक्स्ड तमाम पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेसेस की नेचर ब्रॉडकास्ट है उसकी वजह है पता है क्या आप जब ब्रॉडकास्ट करें यूनिकास्ट करें मल्टीकास्ट करें होना तो एक ही काम है आपने करना है दूसरे ने सुन लिया और दूसरी वजह यह है कि इसमें हर तरह की ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक ट्रैवल कर सकती है और कोई बंदा इसको रोक नहीं सकता पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस हमेशा उसकी नेचर ब्रॉडकास्ट होती है और कोई भी बंदा इस ब्रॉडकास्ट को रोक नहीं सकता और ये हमेशा ऐसे ही रहता है और हमें इसका फायदा यह है कि एफिशिएंट है एफिशिएंट कैसे है एफिशिएंट ऐसे मैपिंग करने में जो डिले आता वो नहीं है मैपिंग करने में डिले आता है ना जी पहले आईपी है उसके बाद मैप होता है तो उसमें डिले तो आता होगा तो वो डिले यहाँ पे नहीं आएगा जब भी आपके पैकेट जाएंगे वो बगैर मैपिंग के जा रहे होंगे करेक्ट असल में पैकेट ब्रॉडकास्ट किया जाएगा यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस के ऊपर पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा लेकिन वो ब्रॉडकास्ट इंटेंसिव नहीं होती ये ब्रॉडकास्ट किसी को तंग नहीं करती ये ब्रॉडकास्ट किसी को तंग नहीं करती क्योंकि ब्रॉडकास्ट भी है उसने यहां से निकलना और यहां चले जाना है ब्रॉडकास्ट ये मैंने बोल मैं बोल रहा हूं और सारी मेरी बात सुन ले मैंने बात इनसे कर ली थी कान में सारों के खा रहा तो ये होता है तंग करना तो यहाँ पे तो एक ऐसी बंद गली है जिसमें मैं हूं और ये है मैं चीहे मारू मैं आराम से बात करूं सुनना इन्हों नहीं है तो यहाँ पे क्या किया जाता है जी ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडकास्ट का फायदा ये है यूनिकास्ट क्यों नहीं होता जी सवाल है क्योंकि फिर यूनिकास्ट करेंगे तो फिर यूनिकास्ट का आईपी स्कोर पता होना चाहिए और दूसरी चीज उसके लिए फिर डेंसिटी भी पता होना चाहिए यहाँ पे ब्रॉडकास्ट की जाती है ताकि ना उन्हें दूसरे का आईपी पता है और ना उन्हें जानना है मुझे जो भी ट्रैफिक भेजनी है वो उसकी तरफ ब्रॉडकास्ट कर मैपिंग तो होती ही ना मैपिंग तो होती है यूनिकास्ट आईपी की डेंसिटी के साथ वो इसने करनी नहीं है लेकिन इसको तो पता ही नहीं है दूसरी तरफ जाने का तरीका क्या है इसने तो ब्रॉडकास्ट करना होता है ठीक है जी इस वजह से ये ना हमें फैसिलिटी मिल जाती है हम पे भी बर्डन नहीं है इस पे भी कोई बर्डन नहीं है ये चीज मैं कह सकता हूं क्योंकि कसम तो इसने खाई भी है कम्युनिकेशन मैंने डेंसिटी पे करा ली जो मर्जी होते हैं लेकिन वो मैपिंग पता क्या करता है वो इस यूनिकास्ट आईपी की मैपिंग नहीं करता डेंसिटी के साथ बल्कि 255.255.255.255 की मैपिंग करता है इस डेंसिटी के साथ और ये इसको कोई भी नहीं कहता कराने के लिए आप जो भी ट्रैफिक भेजेंगे वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा खत्म
यदि पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस के लिए आपको कुछ नहीं करना सर तो फायदा है, मैपिंग कराने की कोई जरूरत ही नहीं। मल्टी पॉइंट जो है उसके बारे में सारा सिलेक्ट जी जी बोलिए नहीं यही तो है बाकी नहीं जाए जाए सर ये वार्ता इसी पाइप के अंदर ही रहेगी, इधर से निकलेगी उस तक जाएगी, उधर से निकलेगी उस तक आएगी। अगर बाकियों में जा रही होगी तो फिर हम नाम करते हैं, बाकियों में नहीं जाती ठीक है। यूनिकास्ट भी होती तो वो भी नहीं जानी थी, लेकिन यूनिकास्ट के लिए मैपिंग कराने की मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें नहीं करनी पड़ेगी। अगली चीज लेकिन क्या शायद इंटरफेस को एक नहीं है, फिजिकल इंटरफेस को एक ही होता है, पीडीसी एक नहीं होता। पीडीसी का काम है दूसरों से आइसोलेट करना। आपके सवाल का प्रिसाइज जवाब ये है हमें आइसोलेशन मिलती है और आइसोलेशन देने वाली चीज डेल्सी ही होती है। आइसोलेशन डेल्सी की बेस पर निर्भर है ना, ये तो कारण क्या हो गया था जो चीज आप एक ही तरफ भेज रहे हो दूसरे में लीक आउट नहीं होगी, ये तो फ्रेमिंग का रूल है। लीक आउट नहीं करता चाहे ब्रॉडकास्ट हो यूनिकास्ट हो जो मर्जी हो, लीक नहीं होती ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह पर। सर ये दर्जी से जो अभी लगता है तुम्हें चोट ठीक नहीं लगी चलो बोलो बोलो और बार नहीं सुनी चल रही है जो और लेकिन एक चीज है मल्टी पॉइंट के अंदर जो मैपिंग होगी ना वो होगी स्टैटिकली, डायनेमिक नहीं हो सकती। फिजिकल इंटरफेस में मैपिंग डायनेमिकली भी हो सकती है और स्टैटिकली भी हो सकती है। याद रखने की बात यह है और बड़ी इसको ना बोल्ड करके लिखिएगा, कोई भी सब इंटरफेस किसी भी तरह का सब इंटरफेस इनवर्स आप यूज नहीं करते। इनवर्स आप किसी भी सब इंटरफेस पे इनेबल ही नहीं होता, इनवर्स आप सिर्फ सिर्फ फिजिकल इंटरफेस पे चलता है, सब इंटरफेस पे ये इनहेरिट नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट में तो वैसे ही मैपिंग नहीं होती, मल्टी पॉइंट में मैपिंग होती है, मल्टी पॉइंट में मैपिंग होती है पर वो इनवर्स आपसे नहीं होगी बल्कि स्टैटिक नहीं करनी पड़ेगी। स्टैटिकली आप हमेशा सब इंटरफेस के केस में स्टैटिक मैपिंग करवाते हैं। जी ना इनेबल भी फिजिकल इंटरफेस पे होता है और डिसेबल भी फिजिकल इंटरफेस के ऊपर होता है। सब इंटरफेस पे अगर वो कमांड चल भी जाती है उसका इंपैक्ट कोई नहीं है। सब इंटरफेस का रूल सिंपल सा है, सब इंटरफेस के ऊपर इनवर्स आप इनहेरिट होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका काम फिजिकल इंटरफेस के ऊपर। दैट्स इट जी। तो मल्टी पॉइंट की सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल वाली है सिवाय इनवर्स आप, इनवर्स आप यहां पे आप नहीं चलाएंगे सही हो गया बाकी सब पॉइंट टू पॉइंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, मैपिंग नहीं होगी सीधी सीधी और हमेशा ब्रॉडकास्ट करेगा। इन्हें अगर रेट चलाना हो पॉइंट टू पॉइंट पे चल जाएगा, क्यों पॉइंट टू पॉइंट में ब्रॉडकास्ट होती है और वो बंद नहीं कर सकते। फ्रेम लो सॉरी ओएम लो चलाना है चल जाएगा आराम से चल जाएगा ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस देखेंगे कि क्या करनी पड़ती है लेकिन मेनली वो चल जाएगा, वो ब्रॉडकास्ट वाला इशू नहीं आएगा जो कल आपने फेस किया था। रेट चलाएंगे इजीली चल जाएगा। लेकिन बात को थोड़ा सा और अब आगे बढ़ाते हैं, सवाल ये है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की कैसे जाती है ठीक है। तो सवाल सर ये यूनिकास्ट भी कर सकता है ना, कौन यूनिकास्ट ट्रैफिक गुजर सकती है। इसका मतलब ये है कि ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक जो आएगी वो गुजर जाएगी। ब्रॉडकास्ट हमेशा अलाउड होती है, ब्रॉडकास्ट हमेशा पॉइंट टू पॉइंट में अलाउड होती है। ट्रैफिक तो कोई भी गुजारे, ब्रॉडकास्ट को बंद नहीं कर सकते आप, यानी उसकी वो प्रिविलेज है कि ये ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को अपने अंदर से गुजरने दो। हर तरह की ट्रैफिक इसमें से गुजर सकती है।
लेकिन अब हम बनाने के लिए ना मैं ये वाला सेटअप नहीं बना रहा क्योंकि इसको बनाने में कंफ्यूजन करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं इसमें सिर्फ इतना सा डाउन कर लेता हूँ कि ये सब समझाने के लिए था, ठीक है। इसमें ये वाला पोर्शन राइट कर देते हैं, आप कितना रहने देते हैं यहां पे, आप कहते नहीं राउटर फोर और आईपीज और डेंसिटीज इस तरह से कर लेंगे, सीरियल टू स्क्वायर 0.14 और इधर सीरियल टू स्क्वायर 0 ही है, यहां डेंसिटी 104 और यहां पे 401। यहां पे तो नहीं पड़ेगी, तो वो दिखाऊंगा ना कि कब नहीं पड़ेगी, इंटरनेट बनेगा तो जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फ़िगरेशन तो देखनी है ना एक दफा, ये कैसे होता है, लेकिन आप इसको देख लेते हैं। लेकिन एक चीज जरा पहले से क्लियर कर ले कि ये फ्रेमलेस स्विच के इंटरफेसेस कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक ये तो एक ही हो गया ना, दो और तीन, तीन ये चौथा ही है, चार हो रहे हैं। तो एक तो सीरियल 2/0 है, एक 2/1 है, एक 2/2 है और एक 2/3। ये डायग्राम अगर आपको याद हो मैंने इसका बना ली थी, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था मैं फ्यूचर में यूज करूंगा इसको, ये चौथा राउटर मैंने लगा लिया था साथ, कॉन्फ़िगर नहीं किया था, तो आप फ्यूचर आ गया है तो अब इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। पहले जो जितनी कॉन्फ़िगरेशन मैंने प्रीवियसली की भी है इन पे मैं वो खत्म कर देता हूँ। फ्रेमलेस स्विच पे मैंने कितने पीवीसी बनाए थे, दो, वो अभी खत्म करूंगा, ये अपनी जगह रहने दूंगा, सिर्फ यहाँ की और यहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिमूव करने लगा हूं। और उसको रिमूव करने का तरीका देखें बड़ा आसान सा है, राउटर वन का कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल किया था आपने, 2/0, तो कमांड है जी डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 2/0, एंटर करेंगे तो ये इंटरफेस अपनी डिफॉल्ट स्टेट में आ जाएगा, यानी सब आईपी वगैरह खत्म, सारी कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसी तरह राउटर टू पे भी जाके उसका भी सीरियल 2/0 ही आपने इस्तेमाल किया था तो उसे भी कह दी डिफॉल्ट, हाँ जी बिल्कुल डिफॉल्ट इंटरफेस सीरियल 2/0, तो ये भी जो है वो अपनी डिफॉल्ट कंडीशन पे वापस आ जाएगा। राउटर थ्री में भी यही करेंगे, ये एक कमांड है जी जिससे मैं तमाम अपने स्पोक्स और हब जो भी था उस पे ये कॉन्फ़िगर कर देता हूं। इस वक्त ये बिल्कुल लेवल जीरो पे आ गई है आपकी टोपोलॉजी। फ्रेमलेस स्विच में जी दो सर्किट्स बने हुए हैं, आज एक सर्किट और बनाना पड़ेगा, एक पीवीसी, ये वाला पीवीसी की एक साइड सीरियल 2/0 भी जोड़ी हुई है और दूसरी जोड़ूंगा आज सीरियल 2/3 पे। पीवीसी तो बनाना आता आपको, इंटरफेस सीरियल 2/0 पे गया, फ्रेम रिले राउट, ठीक है जी, 104, इंटरफेस सीरियल 2/3, 401। अब ये इंटरफेस पहले से ही नो शटडाउन हुआ है, ये काम कर रहा है, मैंने सिर्फ एक पाइप जोड़ा है इसमें एक्स्ट्रा, पाइप की एक साइड जोड़ी है दूसरी अभी बाकी है, तो दूसरी साइड किधर लगानी है जी, इंटरफेस सीरियल 2/3 पे। अच्छा ये ऐसा इंटरफेस है जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इस पे सारी वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले कर दिया, फ्रेम रिले इंटरफेस टाइप डीसी कर दिया, क्लॉक रेट 64 रखा हुआ है, 1 to 8 रखा हुआ है, 1 to 8 रख देते हैं। अच्छा यहाँ पे ना बेहतर यही है कि सबका क्लॉक रेट एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ब्रांच सर्विस प्रोवाइडर से और स्पीड ले रही है, दूसरी दूसरी स्पीड ले रही है, अगर डिफरेंट स्पीड होगी तो जिसकी कम स्पीड होती है वो इफेक्टिव स्पीड होगी, तो स्पीड बराबर होनी चाहिए, क्लॉक रेट सबका एक जैसा होना बेहतर है और जरूरी भी है। तो मैंने इसको जी 128 kbps कर दिया, उसके बाद फ्रेम रिले राउट 401, इंटरफेस सीरियल 2/0 104 और नो शटडाउन तो करने कर,
पीवीसी जैसे बनाते हैं बना लिया, ठीक है जी। मेरा ना आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको चाहिए था, आप सिर्फ इतना लिखते कि एक पीवीसी और क्रिएट कर देना। अब ये क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ वेरीफाई करने के लिए शो फ्रेम रिले राउट करेंगे। इनएक्टिव तो खैर ये सारे ही है और होना भी चाहिए क्योंकि इस्तेमाल तो कोई भी नहीं हो रहा। अब ये गौर करें एक चीज पे कि ये जो सीरियल 2/0 है यहां से तीन इनपुट्स हो रही है और ये सच है, यहां पे 102 भी है, 103 भी है, 104 भी है, तीन पाइप इस तरह जुड़े हुए हैं। एक पाइप यहां से 2/1 को निकलता है, एक 2/2 को निकलता है और एक 2/3 को निकलता है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है जी। उसके बाद ये ऊपर वाले का बिल्कुल रिवर्स है, वो भी देख ले एक नजर में पता लग जाएगा। ले जी ये सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, सारे पीवी तीन पीवी से बन गए ना टोटल, ठीक है जी। मैंने तीन बना लिए, फ्रेम रिले की कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कंप्लीट। अब आते हैं हम अपने क्लाइंट साइड की कॉन्फ़िगरेशन पे, और सिर्फ और सिर्फ इनमें जो क्रिटिकल है ना वो हब है, विच इज राउटर वन। लो जी राउटर वन पे आया, पहला काम फिजिकल इंटरफेस कौन सा है। आप फिजिकल इंटरफेस पे आए, कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ फिजिकल इंटरफेस पे ही होते हैं। मिसाल के तौर पे एनकैप्सुलेशन फिजिकल इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर होगी, इनवर्स आर्क फिजिकल इंटरफेस पे डिसेबल करेंगे, नो शटडाउन फिजिकल इंटरफेस को करेंगे, ये आपने यहीं पे करना है तो कर दे। सबसे पहले जी एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर्क, और उसके बाद नो शटडाउन। सब इंटरफेस पे सॉरी फिजिकल इंटरफेस पे आपने ये काम करना है, तो तवज्जो से सुन ले। अगर आप फिजिकल इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले नहीं देंगे तो सब इंटरफेस में आपको पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट की ऑप्शन नजर भी नहीं आएगी। अगर आपने फिजिकल इंटरफेस की, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट फ्रेम रिले के सब इंटरफेस है, अगर मैं यहां फ्रेम रिले नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होती है, एचडीएमसी। एचडीएमसी सिर्फ और सिर्फ उसमें पॉइंट टू पॉइंट, एचडीएमसी होता ही पॉइंट टू पॉइंट है, तो उसमें आपको सब इंटरफेस की ऑप्शन नजर नहीं आएगी। तो उसे इनेबल करने के लिए, उसे इनेबल करने के लिए फिजिकल इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले देना जरूरी है। अब इसके सब इंटरफेस बनेंगे फ्रेम रिले वाले। ले जी एग्जिट करें जरा, इंटरफेस सीरियल 2/0 डॉट लगाए। क्लाइंट्स रोकते हैं, क्लाइंट करेगा नहीं ब्रॉडकास्ट, रिक्वेस्ट ही नहीं भेजेगा उसके लिए। लेकिन 2/0.123 जो भी नंबर आपने देना दे दे, स्पेस क्वेश्चन मार्क करें। ये वो ऑप्शन है जो सिर्फ फ्रेम रिले में नजर आती है, बाकी किसी और में नहीं होगी। तो एनकैप्सुलेशन मैंने फिजिकल इंटरफेस में फ्रेम रिले की थी इसलिए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। तो ये 1-2-3 की क्या टाइप होनी चाहिए, मल्टी पॉइंट, तो ये मैंने कर दी थी मल्टी पॉइंट। आईपी इस इंटरफेस में अप्लाई करना है ना के फिजिकल पे, क्योंकि फिजिकल पे कर दिया और वो तो फिर बात ही खत्म होगी ना, तो सबके लिए हो जाएगा। लो जी इस पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर करना है, इसका अपना आईपी है 1.1.1.1.255.0.0.0 आईपी कॉन्फ़िगर हो गया। अगली चीज मैपिंग, मल्टी पॉइंट में मैपिंग आपको स्टैटिकली करनी पड़ेगी, खुद से करा लेते हैं नो प्रॉब्लम। मैपिंग की कमांड वही है जो पहले थी, और कमांड है जी फ्रेम रिले मैप आईपी, फ्रेम रिले मैप आईपी। इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, वही होगा ना जी, ठीक है। और इस पे जाने के लिए पीवीसी कौन सा है, 102। साथ ब्रॉडकास्ट देंगे तो ब्रॉडकास्ट होगी, नहीं देंगे तो ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, आपकी मर्जी, मैं दे देता हूं यहां पे फिलहाल। वो तो यहां पे भी आएगा ना जी, मल्टी पॉइंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता बाय डिफॉल्ट, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें मेंशन करना पड़ता है।
में नहीं करेंगे ब्रॉडकास्ट तो नहीं होगी, करेंगे तो फिर ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। ये चीज मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। अच्छा जी, एक और मैपिंग भी है यहाँ पे 103 और यहाँ पे 3, ऐसे ही है ना, कल भी किया था आप कर रहे बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि फिजिकल इंटरफेस को कल भी जिक्र किया था। तो यहाँ पे ये वाला सब इंटरफेस इससे भी बात करेगा और इससे भी बात करेगा, दोनों से कैसे लेगा, दोनों काम खत्म हो एग्जिट करेंगे। कितने सब इंटरफेस है? दो। आपने एक को कॉन्फ़िगर किया है, दूसरे पे आते हैं डॉट 1.4, इसकी टाइप के रखनी है पॉइंट टू पॉइंट। आईपीओ देना है इसको, इसका आईपी क्या है जी? आईपी एड्रेस, उसको आईपी देंगे। अभी मैंने मेंशन नहीं किया, नहीं वन नहीं थी यार भाई, ये डिफरेंट इंटरफेस है, ये डिफरेंट है, इसकी नेटवर्क आईडी डिफरेंट होगी, उसे कहते हैं 2.1.1 और ये होगा 2.1.1.4। जी ना, 2.1.1.1 255.0.0.0। कितने इस वक्त मल्टी एक्सेस नेटवर्क है तस्वीर में? दो, एक वन वाला और एक टू वाला। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट तरीन चीज, इसमें मैपिंग तो होनी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन एक चीज तो बतानी पड़ेगी कि जनाब अगर ब्रॉडकास्ट ही करनी है तो उसको मैप आपने डेलसी कौन सा साइन करोगे? ब्रॉड माना कि ब्रॉडकास्ट है, लेकिन ब्रॉडकास्ट को मैप तो करना है, किस डेलसी के साथ करना है? उसका तरीका ये होता है, फ्रेम रिले इंटरफेस डेलसी 104। इसका मतलब पता है क्या है? जो भी ट्रैफिक आई, जो कहीं में भी जाना हो आपने, कहीं में भी जाना हो आपने, उसके अगर वो इस सब इंटरफेस से गुजरा ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली 104 के ऊपर वो मैपिंग कराए। मैंने नहीं कहा कि इसके साथ मैपिंग करानी है, मैंने कोई मैपिंग सेटिंग नहीं करवाई ना, मैंने कोई डायनेमिकली कराई है ना स्टैटिकली कराई है, मैंने सिर्फ ये कह दिया जो भी इधर से गुजरेगा ना वो 104 में डेलसी को इस्तेमाल करे, जो भी गुजरेगा। या ये होता है कहता कि 2.1.1.4 की ट्रैफिक जब जाएगी तो वो 104 वाला डेलसी यूज करेगी, मैंने नहीं कहा सर, मैंने कहा जो भी गुजरेगा ना उसको तुम इसके साथ मैप करा देना, मैंने मैपिंग नहीं कराई, मैंने कोई मैपिंग नहीं कराई। डेलसी बताती है कि ये वाला है, जो भी आएगा उसको ये डेलसी साइन कर देना, ठीक है। और इसकी इसकी नेचर क्या है? ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का मतलब है हर तरह की ट्रैफिक यहाँ से गुजर सकती है, हर तरह की ट्रैफिक यहाँ से गुजर सकती है, चाहे रेप की हो या जो मर्जी हो, जबरदस्त हो गया, ठीक है। एग्जिट कर लेते हैं, बन गए दो सब इंटरफेसेस। शो आईपी राउट करें जरा यहाँ पे, तो आपको अभी नजर कुछ नहीं आ रहा, क्यों? बाकी साइड अपनी ना हुई, अभी जब तक ये अपनी होगा तब तक ये आपको आप होते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो मैं राउटर 2 और राउटर 3 की भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, यहाँ सारे इंटरफेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ फिजिकल इंटरफेस भी काम होगा। राउटर 2 में जाते हैं जी, इंटरफेस सीरियल 2/0 एनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, ठीक है जी। राउटर 2 का 2/0 है ये वाला, मैं फ्रेम रिले के इंटरफेस नहीं कह रहा, राउटर के कह रहा, वो सारों की सूट 2/0 है। जिसका आईपी क्या है? किस तरह की मैपिंग अच्छी रहती है? स्टैटिक, नो फ्रेम रिले इनवर्स आर, फ्रेम रिले मैप आईपी 1.1.1.1 201। ब्रॉडकास्ट लिखना चाहिए या नहीं भाई? लिखना है, स्पोक टू हब जो है उसके साथ ब्रॉडकास्ट लिखना होता है, लिख दिया। फ्रेम रिले मैप आईपी 1.1.1.3, इस पे जाने के लिए भी डेलसी 201 ही होगा। ब्रॉडकास्ट लिखना है कि नहीं, लिखोगे या नहीं लिखोगे फर्क पड़ना नहीं, नुकसान ही होगा उल्टा, क्योंकि वो बिला वजह राउटर 1 भी लोड डाल रहे हो ना, तो ना ही डालो तो अच्छा है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में एक ऑफ से आगे नहीं जाना, ठीक है जी। तो नहीं लिखना चाहिए इसको, ठीक हो गया। नो शट डाउन कर दे जी, फिजिकल इंटरफेस पे तो कल भी यही कॉन्फ़िगर किया था, आज भी यही है,
तो राउटर 3 पे भी ऐसा ही होगा, जल्दी से वो भी कर देते हैं। आईपी 1.1.1.3। अच्छा उसके बाद नो फ्रेम रिले इनवर्स आर फ्रेम रिले मैप आईपी 1.1.1 इधर जाने के लिए 301 और ब्रॉडकास्ट। फिर इसी तरीके से यहां पे 2 आएगा और ये ब्रॉडकास्ट यहां से हट जाएगी। नो शट डाउन आपने रह गई है यार, वैसे ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन लेकिन मैं इस भाई का दिल रखने के लिए ना, अब ठीक हो गया भाई का दिल ही तोड़ा मैंने, आपका टूट गया है, अब खत्म कर देता हूँ। अच्छा जी राउटर 1, 2 और 3 के दरमियान मेरे ख्याल में तो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है, सिर्फ वेरीफाई भी करते हैं। पहले जो है हब पे पिंग करता हूं 1.1.1.2 को, पिंग हो रहा है। पिंग करता हूं 1.1.1.3 को, पिंग हो रहा है। हब से स्पोक पिंग हो रहे हैं। अब जाता हूं स्पोक पे, पिंग करता हूं 1.1.1.3 को, 1 तो हो ही जाएगा ना, राउटर 2 से राउटर 3 पिंग हो रहा है। एक छोटा सा काम और करते हैं जी, पिंग 255 255 255 255 रिपीट 1। कल और आज में फर्क क्या होगा देखें जी, मुझे फर्क बताएं। सर एक ही रिप्लाई आया, कल मुझे 2 रिप्लाई आ रहे थे, था आज मुझे एक रिप्लाई आया है, पता है क्यों? मैंने ब्रॉडकास्ट की सिर्फ आपके लिए थी, दूसरे स्पोक के लिए मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं की, क्योंकि उसके डेलसी के आगे मैंने ब्रॉडकास्ट नहीं लिखा। ब्रॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुई है? हब के लिए। दूसरे के लिए होती तो रिप्लाई आता, लेकिन रिप्लाई उससे थोड़ी आना था, हब नहीं देना था। मैंने कहा मेहरबानी आपकी तू ना ही दे, मैंने बटन बचा लिया ना। कल सुबह ब्रॉडकास्ट में क्या हुआ था, एक जैसे 2 पैकेट भेज दिए थे, आज उसने एक जैसा एक ही पैकेट भेजा, उनके जाना भी एक ही जगह पे है। आगे यूनिकास्ट ट्रैफिक हर जगह जाएगी, जिधर मर्जी भेजे, खापे भेजे, स्पोक पे भेजे, उसमें टीटीएल का कोई चक्कर नहीं होगा। लेकिन आप ये बिल्कुल कल जैसे कंफिगर हो गया, लेकिन मजेदार बात यह है आप एक साइड पे फिजिकल नहीं बल्कि सब इंटरफेस है। अब आप मुझे बताएं इस सब इंटरफेस ने इससे भी बात की है, इससे भी बात की है, इसीलिए ये सब इंटरफेस मल्टी पॉइंट था। ये मल्टी पॉइंट ना रखा होता तो ये काम नहीं होना था जो अभी हो रहा है। दूसरी तरफ आते थे पॉइंट टू पॉइंट वाले सिनेरियो में, उसे भी कंफिगर करना है। कंफिगर क्या करना है, एक साइड तो हो गई भी है, राउटर 4 ही बाकी है। राउटर 4 में फिजिकल इंटरफेस है या सब इंटरफेस है? फिजिकल है, और फिजिकल ने वैसे ही कंफिगर होना है जैसे वो होता है। इंटरफेस सीरियल 2/0 एनकैप्सुलेशन पहले कर देता हूं जी, फ्रेम ले आईपी 2.1.1.4 नो फ्रेम रिले इनवर्स आर फ्रेम रिले मैप आईपी 2.1.1.1 ठीक है जी, और इसके आगे जो डेलसी है दूसरी साइड पे मैंने कोई मैपिंग नहीं कराई, इधर करानी पड़ेगी क्योंकि ये तो फिजिकल इंटरफेस है। लो जी इधर कर देते हो, बाकी 401 ब्रॉडकास्ट लिखना चाहिए या नहीं? दूसरी साइड पे पॉइंट टू पॉइंट है, वो ब्रॉडकास्ट होता है, इधर क्यों नहीं होना चाहिए? आधा लिंक ब्रॉडकास्ट और आधा नॉन ब्रॉडकास्ट, कैसी बात है? इस साइड पे तो मैंने कहा ये बाय डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट होता है, तो इसको भी फिर उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए ना। पता लगे जी रेट की अपडेट इधर से इधर आ गई, इधर से उधर नहीं जा रही, फिर तो ये होगा एक साइड से ब्रॉडकास्ट आ जाएगी नहीं जी, रेट चलाएंगे नहीं चलेगा, एक तरफ की अपडेट आएगी दूसरे की नहीं आएगी। यूनिकास्ट ट्रैफिक तो जाएगी जी, क्यों नहीं जाएगी? ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक एक तरफ से आएगी दूसरी तरफ से नहीं जाएगी, तो दूसरी तरफ से जाने के लिए आगे ब्रॉडकास्ट लिखना जरूरी है। आप इस डेलसी पे ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेजी जाएगी, अगर ना लिखता तो नहीं। अच्छा 104 पे ब्रॉडकास्ट आएगी, आनी या नहीं है?
401 पे तब जाएगी जब ये आगे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं जाएगी। तो आधा एक साइड पे कह रही मैं जैसे नहीं आने दूंगा और दूसरे कहा तू जाए आओ, ये दोनों साइडों का बिहेवियर एक सा होना चाहिए। तो यहाँ ब्रॉडकास्ट होना चाहिए जी, नो शट डाउन। अब चेक करते हैं राउटर 1 और 2 जो है वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सॉरी 1 और 4। उसके लिए तरीका कर ये है जी, अभी तक ये लिंक अप नहीं हुआ गालिबन, अब हो गया जी। पिंक 2.1.1.1 राउटर 4 से राउटर 1 को पिंग कर रहा हूं और अभी तक ये पिंग नहीं हुआ, अब हो गया, लिंक अप हो रहा था ना, लिंक अप होने में तो टाइम लगता है, ठीक है जी। उनके एक लिंक नहीं आपको ना, दो में ये आपको होगा, फिर ये वाला आपको होगा, तो पिंग हो रहा है जी। इस वक्त मुझे बताएं आप जो जवाब दे रहे हैं नेटवर्क कितने, सब नेक्स्ट कितने, दो देयर आर टू मल्टी एक्सेस नेटवर्क। राउटर 2 से राउटर 4 पिंग हो जाएगा, सब लोग जरा बोर्ड पे देखिए राउटर 2 से राउटर 4 पिंग हो जाएगा या नहीं। समझाए बच्चों को क्यों नहीं होगा, तो उससे क्या आएगा, क्या मतलब यानी राउटर 2 के ये कल वाला रिप चला हुआ सेव हुआ है, उसकी वजह से कुछ उसके बाकी जो है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यहाँ पे 2 वाला नेटवर्क नहीं है उसकी बात हो रही है, 2 वाला नेटवर्क यहाँ पे नहीं है तो पिंग नहीं होगा। वो आएगा कैसे, रेप चलाना पड़ेगा, रेप चला के आ जाएगा। मसला पिंग ही होगा क्योंकि ब्रॉडकास्ट इस वक्त दोनों तरफ इनेबल्ड है, फोन चल जाएगा। अच्छा एक सवाल और, राउटर 1 से अगर इसको पिंग करो, इसको करो, इसको करो, हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये दोनों उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप शो आईपी राउट जरा यहाँ पे कीजिएगा और जरा डायरेक्टली कनेक्टेड में देखें, 1 और 2 वाला और दोनों सब इंटरफेसेस नजर आ रहे, दोनों के दोनों आपको सब इंटरफेसेस नजर आ रहे, यहां से पिंग हो जाएगा। सवाल ये है मैंने राउटर 2 और राउटर 4 को पिंग कराना है और रिप नहीं चलाना बल्कि चलाना है ओएसपी, क्या चला है ओएसपीएफ। अब जो सिचुएशन क्रिएट होने लगी आपके सामने वो सिचुएशन है, अब हमारा याद है रिक्त पड़ गया था, हमारा टॉपिक था ओएसपीएफ, ओएसपीएफ से पहले मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा सा फ्रेम ये जो है वो आपको कराऊंगा, तो ये अब तक मैंने थोड़ा सा फ्रेम ये था वो करवा दिया। अब मैं उस जगह पे आ गया हूं जहां से मैं ओएसपीएफ ओवर फ्रेमिंग के कॉन्सेप्ट को आगे कैसे करवा सकता हूं। लेकिन ओएसपीएफ ओवर फ्रेमले जो है, सिर्फ ये बात ओएसपीएफ ओवर फ्रेमले ये इंतहाई ट्रिकी, इंतहाई कंफ्यूजिंग और इंतहाई बड़ा टॉपिक कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये फ्रेमले इतनी बातें समझ आती है ना, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से ओएसपीएफ ओवर फ्रेमले समझ आ गए, ठीक है। लेकिन मैं ओएसपीएफ ओवर फ्रेमले भी बिल्कुल अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, कल भी नहीं करूंगा, बल्कि उससे पहले मैं एक छोटा सा काम करना है, मैं बातें बताने लगा। ओएसपीएफ को मैं 2 स्टेजेस में बनाऊंगा आपको, पहले होगा ओएसपीएफ की जो नेबरशिप और एडजेसेंसी होती है उसकी ट्रबल शूटिंग, फिर कराऊंगा ओएसपीएफ राउटिंग की ट्रबल शूटिंग। एक होती है ओएसपीएफ नेबर एंड एडजेसेंसी ट्रबल शूटिंग और एक है ओएसपीएफ राउटिंग ट्रबल शूटिंग, ठीक है जी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आएगा ओएसपीएफ की राउटिंग में, ओएसपीएफ ओवर फ्रेम में। कल का मेरा टॉपिक जो है वो ओएसपीएफ की नेबरशिप और एडजेसेंसी पे है, परसों से इंशाल्लाह ओएसपीएफ ओवर फ्रेम में स्टार्ट होगा जिसमें ये इन्वॉल्व होगा जो आपने पढ़ा है, ठीक है जी।
कल इंशाल्लाह करेंगे एडजेसेंसी, तो आप यहाँ पे रुक रहा हूँ, इंशाल्लाह यहाँ से आगे बात तो कंटिन्यू करें। वो सब आएगा है। आज के लिए इतना ही। किसी बंदे को वीडियो अभी नहीं मिलेगी, फ्राइडे को वीडियो आपको दी जाएगी। हाँ जी, रिकॉर्डिंग में सेव कर ले। हाँ जी,